हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाक की नापाक हरकतों का जवाब देने को हमारे जवान हर वक्त तैयार। गुरपाल सिंह, विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ का शहीद स्मारक पर हुआ आयोजन। 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई और 1971 के युद्ध को लड़ने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुए सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सेना और आम नागरिकों का सहयोग करते हुए पाकिस्तान की नकेल कसने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और छाछरों तक तिरंगा फहराया। अब स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 की 50वीं वर्ष गांठ पर हम सभी हमारे वीर सपूतों पर फक्र महसूस करते हैं। पाकिस्तान जिस तरह की आए दिन हरकतें कर रहा है, उसका करारा जवाब देने को हमारे वीर जवान हर वक्त तैयार खड़े हैं। हमें समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर शहीद परिवारों का हौसला अफजाई करना चाहिए। उक्त उद्धार सीमा सुरक्षा बल के बाड़मेर सेक्टर के उप महानिरीक्षक गुरपाल सिंह ने स्थानीय शहीद स्मारक पर आयोजित विजय दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिला अध्यक्ष कैप्टन हीर सिंह भाटी ने बताया कि कोविड की महामारी के चलते इस बार आयोजन वृद्ध स्तर पर नहीं किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए जिला कलेक्टर विश्रा मीना ने कहा कि सीमावर्ती बाड़मेर जिले के वीर सपूतों का भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही यहाँ के नौजवानों का सेना के प्रति विशेष लगाव स्वागत योग्य है। इस अवसर पर बोलते हुए रावत त्रिभुवन सिंह ने कहा कि सेना और अर्धसेना के साथ साथ सीमावर्ती बाड़मेर ने लोगों ने भी 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही बाड़मेर के 10 वीर सपूतों ने स्वयं को इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। टीम थार के वीर द्वारा समय समय पर शहीद परिवारों के लिए कार्यक्रम आयोजन करवाना स्वागत योग्य कदम है। इस दौरान विधायक मेवाराम जैन, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल पीएस गंगवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह जतावत, एनसीसी अधिकारी कैप्टन आदर्श किशोर जानी, भामाशाह माधो सिंह भवरिया ने भी शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर सादर श्रद्धांजलि प्रदान की। टीम थार के वीर की अनूठी पहल, 1971 के वीर सपूतों का घर जाकर करेंगे सम्मान। 1971 के भारत पाक युद्ध में बाड़मेर के 10 वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन शहीदों के परिवारों का इस वर्ष विजय दिवस पर कोविड के चलते सम्मान नहीं किया जा सका। इस दौरान टीम थार के वीर के संयोजक रघुवीर सिंह तालमोर, लायंस क्लब मालानी के अध्यक्ष इंदर पुरोहित, किसान केसरी के प्रबंधक प्रेमाराम भादु, गौरव स्कूल के प्रबंधक हरीश मोड ने टीम थार के वीर के संरक्षक रावत त्रिभुवन सिंह, कमांडेंट प्रदीप कुमार शर्मा, कैप्टन हरी सिंह भाटी की प्रेरणा से इन 10 वीर सपूतों के घर घर जाकर शहीद परिवारों का बहुमान करने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। टीम थार के वीर की इस नेक पहल का उपस्थित लोगों ने स्वागत किया। साथ ही सीमा सुरक्षा बल के DIG गुरपाल सिंह का भी टीम थार के वीर द्वारा सम्मान किया गया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।